हालेलुया, आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में। आज जो वचन मेरे द्वारा परमेश्वर आप तक पहुंचा रहे हैं, आप इस वचन को ध्यान से सुनिए। और मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, ये वचन आज आपकी अगुवाई करेगा। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 9 पद से मैं पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार लिखा है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, उससे पास से उठा दिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया ववंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया, आप सभी को ये मालूम है ये परमेश्वर का एक सामर्थी दास है, एक बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ता है, जिसके जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े अलौकिक काम हुए और उसके द्वारा बड़े अद्भुत काम हुए। मैं जानता हूं परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, इस प्रभु के दास का अगर जीवन देखेंगे तो ये व्यक्ति एक इस तरह का जीवन जीता है, इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये अपना ध्यान पूरा परमेश्वर के ऊपर लगाए हुए हैं और इसके जो सोच है, विचार है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि इसका पूरा जो ध्यान है वो परमेश्वर के कार्य के ऊपर है और ये परमेश्वर को पसंद कर रहा है। और इसका पूरा जो सोच है, विचार है, ये अपने ख्यालों से नहीं चलता है, ये अपने विचारों के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता है। प्रभु जैसा चाहता है वैसे जीने के लिए प्रयास करता है। कई बार इसके जीवन में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आए कि ये अपने आप को पसंद करें और कई बार इसको ऐसा मौका मिला कि ये भी सुख विलास से जीने के लिए इच्छा रखता था, पर इसने जो फैसला लिया, इस प्रभु के दास ने, उसका एक ही फैसला था कि मैं परमेश्वर को पसंद करूं, मैं परमेश्वर के योजना को अपने जीवन में पूरा करूं। और वचन कहता है कि एलिया परमेश्वर के पूरे ऐसे बड़े और महान कामों को कर दिया उसने, जो बहुत ही आश्चर्यजनक काम थे, उस समय अलौकिक काम थे जो एलिया के द्वारा हुए। पर इसकी जो वजह थी, ये कैसे होते थे, एलिया के समय में और भी भविष्यवक्ता थे, एलिया एक भविष्यवक्ता नहीं था, और भी थे, पर सोचने की बात यह है कि एलिया एक ऐसा काम कर रहा है जो कुछ लोग जो है उस दौरान वैसे काम नहीं कर पा रहे हैं। एलिया परमेश्वर की आवाज सुनता है, परमेश्वर के साथ इसका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही अच्छा एक रिश्ता है। और इस काम को ये तब कर पा रहा है जब परमेश्वर के साथ ये रोज समय बिताता है। हालेलुया, क्योंकि आज ये जानना इसलिए जरूरी है आप सभी को कि एलिया का लाइफ क्यों इतना प्रभावशाली था। हालांकि उस समय भी बहुत सारे ऐसे काम हुए दुनिया में जैसे आज हो रहे हैं, उस समय भी ऐसे काम होते थे कि उलझाया जाता था परमेश्वर के लोगों को। एलिया के समय में भी सतावट थी, निराशा का दौर भी आया एलिया के लाइफ में और लोगों के लाइफ में। उस समय भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी जो
उस समय बहुत विचलित करने वाली घटनाएं होती थी, पर एलिया की अगर लाइफ देखे तो उस समय वो पूरी रीति से परमेश्वर की आवाज सुनते हुए प्रभु की अगुवाई में चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। पर सोचने की बात एक और भी है उसके साथ ही साथ, कि एक और भी जन उसके साथ में है जिसका नाम एलिशा है। एलिशा इसके साथ साथ रहता है और ये एलिशा साथ साथ रहने के साथ एक ऐसा एक इसके अंदर एक सोच आ गया, जब एलिया को उठाया जाना था उस व्यक्ति के अंदर एक सोच आया जो समझना बहुत जरूरी है आज। वो सोच क्या है? जब एलिया ने कहा कि तुझे क्या चाहिए मांग, मैं तुझे दे सकता हूं, एलिया के पास उस समय ऐसा एक अभिषेक था, एक ऐसा एक अभिषेकित सामर्थ था एलिया के पास, जो चाहता कोई भी कुछ भी उसे ले सकता था उसे। पर उस समय जो एलिशा ने जो कुछ भी मांगा एलिया से, वो क्या मांगा उसको समझिए। एलिया ने जैसे ही बोला मांग तुझे क्या चाहिए, एलिशा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जो मसा जो आत्मा तेरे अंदर है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। मतलब जो मसा तेरे अंदर है उसका दुगना सामर्थ मुझे चाहिए। और एलिया इस बात के ऊपर ध्यान देता है कि रियली में इसने बहुत ही एक सामर्थ्य मांग रखी है मुझसे। और एलिशा जब ये बात एलिशा ने मांगी तो एलिया ने इसके ऊपर कहा हां ये तुझे मिल जाएगी, ये बात इस तरह का अभिषेक तू पाएगा। और वचन कहता है जैसे ही एलिया को उठा लिया गया उसके बाद एलिशा भी वो काम करने लगा जो एलिया किया करता था। जो काम एलिया करता था वो एलिशा भी करने लग गया। इसका मतलब ये है कि जो अभिषेक एलिया के जीवन में था वो एलिशा में आ चुका है। पर मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसके लिए जो एलिशा ने जो कार्य किया उसको जब देखेंगे हम तो वो अद्भुत है। एलिशा का जब अभिषेक एलिया कर रहा है उस दौरान देखिए एलिशा जो है एक अपने काम धंधे में व्यस्त था। उसके पास एक अपना काम था, एक बिजनेस था उसका, एक अपना एक कमाई का एक साधन था और एक धंधा था उसका, एक बिजनेस था। उसको छोड़ करके एलिया के पीछे आ गया एलिशा। जैसे उसका अभिषेक एलिया ने अपनी चादर के द्वारा किया तो वो एलिशा एलिया के पीछे चल पड़ा। उसने परवाह नहीं की मेरे घर में क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं जब एलिशा ने जो एलिया से जो बात मांगी वो ऐसे नहीं मांगी। उसे मालूम था एलिया परमेश्वर के साथ समय बिताता है और इसके साथ साथ मैंने भी परमेश्वर के बड़े काम देखे हैं। और उसके अंदर एक इच्छा जागी एलिशा के अंदर कि मैं भी यही सामर्थ को चाहता हूं और यही मुझे चाहिए। उसने धन नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगी दुनिया की एलिशा ने। और आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आज आपको चाहिए तो परमेश्वर चाहिए और उसके डबल मसे को आपको मांगना चाहिए। अगर आपके पास वो मसा है, वो अभिषेक है, तो आप इस दुनिया में फिर राज कर सकते हैं। परमेश्वर के ऐसे महान ऐसे दास हुए जिन्होंने दुनिया में रहके राजा के समान जिया। हालेलुया।
पर इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। एलिया ने कीमत चुकाई इस अभिषेक में जीने के लिए, एलिशा ने भी कीमत चुकाई इस अभिषेक में जीने के लिए। आज अगर आपको किसी को भी अभिषेकित लाइफ चाहिए, अगर ये दुगना मसा चाहिए, तो चेक कीजिए आज अपना व्यक्तिगत जीवन मेरे प्रभु के लोगों, कितना आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, कितना आप परमेश्वर की इच्छा को फॉलो करते हैं। अगर आप ये मसे को चाहते हैं, या अभिषेक को चाहते हैं जो एलिया के ऊपर था, एलिशा के ऊपर था, तो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। वचन ऐसा कहता है कि बहुत से ऐसे महान परमेश्वर के दास हुए जो परमेश्वर के साथ साथ चले और जिन्होंने प्रभु की बड़ी महिमा को देखा। एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम अनोक है, वो परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर ने उसको जीवित ही उठा लिया। सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला। आज के दूसरा व्यक्ति कौन हुआ? एलिया हुआ, जो परमेश्वर की अगुवाई में चला, प्रभु की मर्जी से चला और उसके लिए अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े स्वर्ग से परमेश्वर के लिए भेजता है और वो जीवित ही उठा लिया जाता है। सोच लीजिए कितनी सामर्थी बात है। आज इस दुनिया में थोड़ा सा जीवन जीने के लिए कितना परिश्रम यहां पर व्यक्ति करता है, पर जहां हमेशा हमेशा का जीवन है, अनंत जीवन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए कितना परिश्रम करते हैं, कितना कीमत चुकाते हैं वहां जाने के लिए। और ये साबित करना है यहीं पर हमने, अगर वहां पर हम किस तरह के लाइफ को जिएंगे परमेश्वर के सामने। वचन ऐसा कहता है कि अगर आज हम अभिषेकित लाइफ जीते हैं यहां पर, तो जितना हम परमेश्वर के साथ यहां पर समय बिताते हैं, उतना ही वहां पर भी हम परमेश्वर के साथ उतना ही नजदीकी में रहेंगे परमेश्वर के साथ। पर जिसका ध्यान आज भी अपने फायदे के लिए है, अपने आप को खुश करने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए, अपने आप को पसंद करने के लिए या दुनिया की दौलत को पाने के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं, तो सोच लीजिए ये सब कुछ यहीं पर रहेगा। इन लोगों की लाइफ को देखिए, वचन पढ़िए। वचन कहता है कि ऐसे ऐसे प्रभु के लोग हुए जिन्होंने दुनिया को ठुकरा दिया। इस अभिषेकित लाइफ जीने के लिए उन्होंने दुनिया की आवाज को बंद कर दिया, यहां तक अपनी आवाज को भी बंद कर दिया। उन्होंने अपने सुख विलास को त्याग करके परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए इन्होंने फैसले लिए, तभी इनके नाम जो है वचन में आए, इस बाइबल में आए। इन्होंने अपना जीवन प्रभु की मर्जी से जिया। आज हम अपने आप को चेक करेंगे, मैं अपने आप को भी चेक करता हूं, देखता हूं डे बाय डे, क्या मैं प्रभु की मर्जी से जीता हूं या नहीं। मैं जो बात आप आज आपको कहता हूं कि प्रभु की मर्जी से जियो, प्रभु के साथ साथ चलो, प्रभु आपके साथ नहीं चलेगा। पहले ये आपको डिसीजन करना है, अपने अंदर ये सोच बना लेना, मैं प्रभु के साथ चलूंगा, तब परमेश्वर आपके साथ चलेगा। इन लोगों ने बड़े अद्भुत काम तब किए जब ये परमेश्वर के साथ चले, तब परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर उन लोगों के लिए वायदा करता है जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है कि आपको कीमत चुकानी है, और जिसके लिए आप कीमत नहीं चुकाते उस के लिए फिर कोई भी उस चीज को हासिल करने का कोई अधिकार नहीं होता हमारा। अगर अभिषेक के लिए, अगर बड़े काम करने के लिए, अभिषेकित लाइफ जीने के लिए अगर आप कीमत चुका रहे हैं जैसे परमेश्वर के लोगों ने चुकाई, तो फिर भी अभिषेक आपको चलने के लिए सहायता करेगा। अद्भुत काम होंगे आपके जीवन के द्वारा। फिर शैतान की आवाज को बंद करने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है, प्रभु के साथ समय बिताने की जरूरत है। आज कई ऐसे भाई बहन हैं जो वचन तो जानते हैं, कई ऐसे बातों को भी वो प्रचार करते करते बताते हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसा कर सकता है, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, पर क्या प्रैक्टिकल में जब ये इसको
बताने की जरूरत पड़ती है, लोगों के बीच में प्रकट करने की जरूरत पड़ती है, तो क्या ये कर पाते हैं कि नहीं? आज इस वचन को जानने के बाद इसको प्रूफ करना है लोगों के सामने, जैसे एलिया ने प्रूफ किया, बताया कि वो परमेश्वर मेरा जिंदा परमेश्वर है। उसने जब लोगों के बीच में ये चैलेंज किया कि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य महान है, तो उसने प्रैक्टिकल में दिखाया। स्वर्ग से उसने आग बुलाई और वैसा जो उसने मांगा वैसा हो गया उसके लिए। लोगों ने देखा वहां पर प्रैक्टिकल में। तभी तो आज भी वचन कहता है एलिया का परमेश्वर। क्यों एलिया का परमेश्वर बार बार ऐसा वचन कहता है? याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ चले, इन्होंने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। आज अगर आप अभिषेकित लाइफ जीना चाहते हैं, प्रभु की मर्जी से जीने के लिए तैयार हो जाओ और वो काम करने के लिए प्रयास करो जो परमेश्वर चाहता है, प्रभु का वचन चाहता है। आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो रियली में परमेश्वर की आवाज सुने और वैसा ही करे जैसा प्रभु चाहता है। कई ऐसे लोग हैं जो आज सफल क्यों नहीं है अपने काम में, अपने आत्मिक जीवन में, सेवा के करते करते और प्रभु के साथ साथ चलते चलते क्यों वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग जो है कीमत चुकाना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग प्रभु की मर्जी से चलना नहीं चाहते हैं। और जब कभी कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को पहला स्थान देता है, प्रभु की योजना को अपने जीवन में डाल देता है कि ये जो परमेश्वर चाह रहा है मैं करूंगा, और ठान लेता है, एक सोच बना लेता है कि मैंने ये काम करना ही है जो परमेश्वर चाह रहा है, फिर देखिए क्या होगा, आप सफल होंगे। आपके चारों ओर का माहौल कैसा है ये मायने नहीं करता है। वचन कहता है कि जब एलिया जब प्रार्थना कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ, उस समय उसके चारों ओर का जो माहौल था वो ऐसा था कि लोग उसको कोस रहे थे, उसको मारना चाहते थे, राजा उसके विरोध में था, पर उसको राजा से कोई डर नहीं लगा। और यहां तक उसने साबित कर दिया राजा को भी और लोगों को भी, अपनी प्रार्थना से इतना प्रभाव दिया उनको कि मेरा परमेश्वर मेरी आवाज सुनता और वो जवाब देता है। ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति बनना है आप सभी ने, तो चुकाओ आज के बाद कीमत। अपना आत्मिक जीवन और बढ़ाना चाहते हैं तो अपना समय परमेश्वर को दो, वो समय दो जो कीमती समय है। ऐसा समय परमेश्वर को दो जो जिस समय में आपको लगता है ये समय मेरे लिए मुश्किल है। हालेलुया। आज मेरी आप सभी से विनती है, खासकर उन लोगों से मैं बात कर रहा हूं जो प्रभु को जानते और पहचानते हैं, प्रभु आप सभी का उपयोग करना चाहता है, प्रभु आपकी मदद आज करने के लिए यहां तैयार है। बिलीव करो, विश्वास करो, आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए प्रभु मौजूद है, बस आप अपने आप को तैयार रखिए उन कामों को करने के लिए। परमेश्वर आपको वो सामर्थ देगा, वो अभिषेक देगा जो काम शायद आपने अपने जीवन में कभी नहीं किए। पर आज आपने याद रखना है कि अपने आप को वैसे चलने के लिए तैयार करना है जैसे प्रभु चाहता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे साथ आज प्रार्थना करें और मेरा परमेश्वर आज आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। महान जीवते परमेश्वर, जितने लोग आज इस वचन को सुने परमेश्वर, जिनके अंदर ऐसी इच्छा जाग चुकी है कि परमेश्वर हमें कुछ नहीं, मुझे मसा चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, ऐसे लोगों को आज परमेश्वर आज मदद कर प्रभु जी। मैं जानता हूं परमेश्वर शैतान के साथ युद्ध करने के लिए अगर जो भी लोग तैयार है वो बिना अभिषेक से नहीं कर सकते हैं।
अपने लोगों को वो अभिषेक दे, वो मसा दे परमेश्वर, वो दुगना मसा जो मांगने के लिए आज तैयार है परमेश्वर उन्हें दे दे। पर इसके साथ ही साथ परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी हिम्मत दे कि इस मसे को कभी भी ये लोग खराब ना कर सके। प्रभु अपने लोगों को मदद कर कि इस अभिषेक के द्वारा वो जी सके जो अभिषेक तू अपने लोगों को दे दिया है। हालेलुया। शैतान के साथ लड़ने के लिए मेरे प्रभु के लोगों आपको अभिषेकित लाइफ जीनी है, आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना है। ऐसे लोगों को देखिए जो आत्मा से भरे हुए लोग थे, जिन्होंने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जिया और आत्मा से भर करके जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया और आत्मिक अगुवाई में चलने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने दुख और क्लेश की परवाह नहीं किया, उन्होंने अपने फायदे के प्रति नहीं सोचा, उन्होंने एक बात को ठान लिया था मन में कि हम परमेश्वर की इच्छा को जिएंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। और फिर परमेश्वर ने उनको उपयोग किया। जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, कीजिए अपने आप को आज तैयार, कीजिए आज अपने आप को तैयार और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। कई लोग परमेश्वर आपके द्वारा कई लोगों को छुटकारा दिलाएगा आपके द्वारा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को आज उभारेगा जो मेरी आवाज सुन रहे, खासकर जो आत्मिक रीति से चलने के लिए तैयार हैं। मैं आज उनसे कह रहा हूं, सुनो आज प्रभु की आवाज, प्रभु आपकी अगुवाई कर करके आपको इस्तेमाल करना चाहता है कई लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाप का जीवन जी रहे हैं, पाप की गुलामी में हैं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आज पाप की गुलामी से छुटकारा देने के लिए मदद कर प्रभु जी, तेरे लोग आज छुटकारा पाए। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आज अपने लोगों की तो अगुवाई करने के लिए तैयार है। हालेलुया। थैंक यू राजा मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगता हूं, आमेन। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आप और भी प्रार्थना करें और मेरा प्रभु आपकी अगुवाई करेगा और आत्मिक जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ और प्रभु की इच्छा को फॉलो करो और प्रभु का वचन आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। प्रभु आपकी अगुवाई।